जी नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, जिसमें मैं गोरखपुर के एक नए जायके की तलाश में, और वो नया जायका क्या होने वाला है, वो स्ट्रीट फूड होने वाला है, कौन सा स्ट्रीट फूड होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सा स्ट्रीट फूड आज हम ट्राई करने वाले हैं, सारा चीज़ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक, काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग। पहला जायका लग रहा है कि हमें मिल चुका है, और पहला जायका क्या है फिलहाल अभी महदीपुर और घी पार्क के जस्ट सामने में है, तो घी पार्क के जस्ट सामने में आते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ भैया जी के पास यहाँ पे पेड़ा है जो कि एक फुट तैयार करते हैं। कैसे पेड़ा है? 75 रुपये पाव है। ये खुद अपना बनाते हैं, खुद वो बनाते हैं। चलिए हम भी थोड़ा ट्राई करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा ट्राई करते हैं, उनका टेस्ट बताते हैं कि कैसा है। ये खुद है, देखिए हम ट्राई करते हैं फिलहाल ये पेड़ा, और आपको बताते हैं कि पेड़ा का टेस्ट कैसा है। और ये जो देखिए ये मतलब 30 रुपये में फिलहाल हमने 100 ग्राम लिया है, अगर 75 रुपये में 250 ग्राम दिया जाता है, और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। यहाँ से टेस्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका है, और प्योर दूध में और किसी प्रकार का है, इसमें मिलावट नहीं है। ये है कि बहुत सारी जगह पर अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको मिलावट मिलेगा पेड़े में, प्रकार का मिलावट नहीं, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अगर आप भी आते हैं कभी तो यहाँ पे ले सकते हैं, फिलहाल हम ट्राई करते हैं। काफ़ी मज़ेदार ये पेड़ा लग रहा है फिलहाल हमें, ऐसा काफ़ी अच्छा पेड़ा था। और हम आगे बढ़ते हैं, तो ये दो भाई मिले और ये दो भाई जो है सो हमें रोका, और इन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं, ये कैमरा देखने का, ये जो सेटअप हमारा था वो देखने का, तो हमने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है जो ब्लॉगिंग करते हैं। चंडीगढ़ अम्बाला सूरत अहमदाबाद गुजरात कहीं भी और टू जाना, चंडीगढ़ अम्बाला सूरत मुंबई कलकत्ता हरियाणा पंजाब हर जगह उपलब्ध है भैया, कहीं भी जाना रहे बस गोरखपुर बिहार बस अड्डा पे आइए और हमसे संपर्क करिए। नंबर बता दीजिए 860-44-583-59। हेलो, आप बता दीजिए 8977-691-9892। ठीक है, तो भाई का नंबर है, अगर आप सब कभी आना चाहते हैं, अगर आपको बस की ज़रूरत है तो इनसे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके और इनसे बात करके, अगर आपको सीट नहीं मिलता तो ये सीट उपलब्ध करा देंगे, कहीं भी जाना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं और चलते हैं आगे, क्योंकि बहुत कुछ पैदल चल गया और अपने जायके की तलाश में, नया जायका आ चुके हैं सिटी मॉल के सामने, जस्ट सिटी मॉल के सामने में, और इस तरह से आपको रोड साइड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट फूड मिलेगा। स्ट्रीट फूड में क्या क्या चीज़ है तो सारा चीज़ यहाँ पे एक एक लाइन से, यहाँ बहुत सारा दुकान है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल हम बात करते हैं, अगर थोड़ा कुछ क्या क्या चीज़ है। वेज कबाब कितने हैं? 30 रुपये प्लेट है। वेज बिरयानी 25 का हाफ है। पराठा, वेज कबाब पराठा 30 रुपये प्लेट, 30 रुपये। सिंगल पीस का 15 का। ठीक है, देख सकते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इस तरह से अगर आप सभी जगह पे आपको मिल जाएगा, इस तरह से अगर नाश्ते करना चाहते हैं तो ये भेज कबाब हुआ, भेज बिरयानी हुआ, तो आप यहाँ से लेकर के और इस साइड वहाँ तक है, ये सभी लगभग सेम तरह का फास्ट फूड यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे छोला भटूरा मिल जाएगा और भेज बिरयानी मिल जाएगा, और कहेंगे तो मोमोज मिल जाएगा, सारा चीज़ स्ट्रीट फूड आपको यहाँ पे फिलहाल मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ का कबाब ट्राई करते हैं जो कि कैसा है, क्या चीज़ है, तो हम ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं। फिलहाल मेरा कबाब पराठा आ चुका है, जिसका प्राइस है 15 रुपये, हम ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। जी हाँ, कबाब पराठा की बात करें काफ़ी अच्छा टेस्टी का है ये कबाब पराठा, स्पाइसी भी है खाने में। जी हाँ, तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं लड्डू गोपाल हाउस के पास, और यहाँ पे देख सकते हैं कि समोसा, जलेबी, गुलाब जामुन, कचौड़ी, लड्डू, बतासा और बालूशाही इमरती, सारा चीज़ बन रहा है।
तो फिलहाल हम देखते हैं कि ट्राई करते हैं। यहाँ देख सकते हैं जलेबी बन रहा है, यहाँ पे बूंदी बन रहा है, यहाँ पे समोसा बन रहा है। तो अंदर हमको काफी चौराहा मिलेगा, अभी चौराहे के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये दुकान है सारा चीज़ जो भी स्वीट्स का समोसे का दुकान है। और भाई लौंग लता कैसे है? 10 रुपये लौंग लता। जलेबी कैसे पीछे? और ये क्या है? गाजर का हलवा। गाजर का हलवा। ये कैसे है? 100 रुपये। देखिए मेरा जलेबी आ चुका है और ये लौंग लता दो चीज़ है। हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे चीनी का वो अच्छा खासा भरा हुआ है। ये खोया भाटू जलेबी बोल सकते हैं, इमरती बोल सकते हैं, जो उड़द के दाल से बनाया जाता है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखा ये जो इनका तेल है। इमरती ट्राई किया और यहाँ का लौंग लत्ती जो है वो ट्राई किया, जो कि 10-10 रुपये में दिया जाता है। काफ़ी टेस्टी था और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है और काफ़ी फेमस ये दुबगढ़। कभी आते हैं विजय चौक चौराहे के पास में और ये गुलंबर के जस्ट सामने आपको ये दुकान मिल जाएगा। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नए जायके की खोज में। फिलहाल काफ़ी आदमी वहाँ पे देख रहे थे, अजीब सा लग रहा था कि हाँ भाई कर क्या रहा है ये। पानीपुरी पानीपुरी जो है 10 का 4 है। 10 का 4 है। दही बतासा हो गया 25 का 5। अच्छा, दही बतासा 25 का 5 है। और वो चाट कैसे है? चाट जो है 25 का 25 का 4 दिया जाता है। मटर का पिलिंग डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो ये पानी होता है प्योर इमली नहीं होता, इसमें पुदीना और धनिया का ये हरा कलर का पानी बना जाता है। तो जी हाँ, तो हमने यहाँ का पानी पूरी भी ट्राई किया है, काफ़ी अच्छा पानी पूरी था। अगर आप ही आते हैं कभी पे विजय चौराहे चौक के पास में तो यहाँ पे जैसा आपको अच्छा दुकान मिलेगा और यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। पानी बताता है, फिर दही बताता है और यहाँ पे चाट पापड़ी है। जो भी आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो हम अपने इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।